आज मैं आप सभी लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूं और ये कहानी है रामायण की। रामायण में एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था श्री राम और रावण के बीच में, और उस युद्ध में मेघनाद ने, जो रावण के पुत्र थे, उन्होंने एक तीर चलाया था, एक बाण चलाया था जिसमें थी अमोघ शक्ति, और वो अमोघ शक्ति जाके लगी थी श्री लक्ष्मण को, महावीर लक्ष्मण। और जब वो अमोघ शक्ति लगी थी तो मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे। सभी लोग चिंतित थे, राम भगवान इतने चिंतित थे कि उनको कैसे बचाया जाए, कैसे इस अमोघ शक्ति से वापस जगाया जाए। लेकिन उस वक्त महावीर हनुमान ने एक फैसला लिया। उन्होंने ये फैसला लिया कि वो जाएंगे द्रोणागिरी पर्वत पर और लेके आएंगे वहां से संजीवनी बूटी। और जब वो संजीवनी बूटी वहां से लेके आए तो उन्होंने श्री लक्ष्मण को उस संजीवनी बूटी को पिलाया, और उसके बाद वापस से वो अपने सेंसेस में आए, वो वापस से खड़े हुए और वापस से युद्ध में लड़ने लगे। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मॉडर्न डे संजीवनी बूटी की, जिसका नाम है कोविड वैक्सीन। आप में से सारे लोग ये सोच रहे होंगे ना, बहुत सारे, कि यार कोविड के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें वैक्सीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या है, मिथ्स इतने सारे बने हुए हैं, बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं है, इतनी सारी कंफ्यूजिंग है, रिसोर्सेज नहीं है, वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, करें तो करें क्या। तो आज आपके लिए आसान भाषा में, राइट, फिटनेस कोच जीत सलाल, द फाउंडर ऑफ हिमालयन स्टैलियन, लेके आया हूं मैं सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड वैक्सीन। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यस, कोविड वैक्सीन एक संजीवनी बूटी है आज के टाइम में। अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं, इसको लगा रहे हैं, वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, तो दैट मींस आप बहुत ही सही डायरेक्शन में हैं इस चीज़ से अपने आप को सेफ करने के लिए, अपने आसपास वालों को सेफ करने के लिए। अभी ऐसा होता कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा ना डिटेल में बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ डज द वैक्सीन वर्क। अब ये समझने के लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम को समझना पड़ेगा, जर्म्स कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जब कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, चाहे वो कोविड का वायरस हो, चाहे कोई भी वायरस हो, हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके का इन्वेजन होता है, एक आक्रमण होता है। ठीक है, अब उस आक्रमण, जैसे जो असुर करते हैं ना आक्रमण, वैसे ही आक्रमण होता है। अब हमारे अंदर देवगण, मनुष्य, सारे के सारे जो हमारे आक्रमण से बचाने वाले जो हमारे सिपाही होते हैं, वो उस इन्वेजन को लड़ने के लिए अपने अंदर बनाते हैं एंटीबॉडीज। राइट, एंटीबॉडीज का काम होता है कि इन जर्म्स को खत्म करे, किल करे, ताकि हमें किसी भी तरह की बीमारी ना हो। अब वो एंटीबॉडीज हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा रक्षक, कैसे बनाता है? ब्लड के अंदर RBCs होते हैं और WBCs होते हैं। RBCs रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स का बेसिक काम होता है कि भैया ऑक्सीजन को जो है आपके बॉडी में लेके जाए, उसके साथ न्यूट्रिएंट की डिलीवरी करे आपके सेल्स तक, टिश्यूज तक, ताकि आप फंक्शन अच्छा करें, रिपेयर आपकी बॉडी हो पाए, मसल ब्रेक हो रहा है तो वो रिपेयर हो, या फिर किसी तरह की आपको न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है तो पूरी हो। अब बात करते हैं WBCs की, तो WBCs का काम होता है इम्यून सेल्स को तैयार करना। यही वो इम्यून सेल्स हैं जो आपके इस इन्वेजन से, इस आक्रमण से आपको बचाते हैं, आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन फैलता है वायरस से, बैक्टीरिया से, COVID-19 वायरस से, इससे लड़ने के लिए आपको तैयार करते हैं। सो WBCs के बारे में हम जानकारी पूरी लेते हैं अब, क्योंकि यही मेन चीज है जो वैक्सीन लगाने पर आपको मिलती है। सबसे पहली चीज आती है मैक्रोफेगिस। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जर्म्स आते हैं, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, या डेड सेल्स जो खत्म होने वाले थे, उन सेल्स को स्वॉलो करता है, डाइजेस्ट करता है और जर्म्स को खत्म करता है। ठीक है, अब उसके बाद जो कुछ सेल्स बच जाते हैं, कुछ डेड सेल्स बच जाते हैं, कुछ जर्म्स जो रह जाते हैं, उनके लिए ये एंटीबॉडीज भी तैयार करता है आपकी बॉडी के अंदर। उसके बाद एक चीज आती है जिसे कहते हैं बी लिम्फोसाइटिस। ये होती है वो एंटीबॉडीज जो आपके बाहर से आने वाले वायरसेस, बैक्टीरियाज को किल करती है, खत्म करती है। मतलब ये हमारे वॉरियर्स हैं, सिपाही हैं जो मतलब दरवाजे में खड़े हुए हैं, ये इन एंटीबॉडीज को बनाने वाले लिम्फोसाइट्स इन वायरसेस को खत्म करते हैं। इसके बाद तीसरी चीज आती है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स वो एंटीबॉडीज हैं या उस तरीके के सेल्स हैं जो आपके इन्फेक्टेड सेल्स को अटैक करते हैं। इन्फेक्टेड मतलब आपको कोई बीमारी जो है, वायरस बाहर से आया, COVID-19, उसने आपने आपके कुछ सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया। अब बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो वायरस को किल कर रही हैं, राइट,
पुराने डाइजेस्ट कर रही है, पुराने जो आपके जर्म्स हैं उनको किल कर रही है, लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये इन्फेक्टेड सेल्स, कोई सेल में इन्फेक्शन हो गई है उसको भी खत्म कर रहा है, यानी कि उसको बढ़ने नहीं दे रहा आपकी बॉडी में। तो ये तीनों ऐसे काम करते हैं टैग टीम चैंपियन, मतलब WWE रेसलिंग टाइप, कि आपको बाहर से आने वाली कोई भी बीमारी से बचाते हैं और अंदर जो पैदा हो रही बीमारी उससे भी लड़ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी आप वैक्सीन लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। कैसे समझते हैं, सबसे देखिए इसके अंदर होती है मेमोरी सेल्स की बात, जो होते हैं आपके टी लिम्फोसाइट्स। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे या नहीं लेते हो किसी भी तरह की तो आपके अंदर ये WBCs नहीं होते। होते हैं हमारे अंदर WBCs, कई तरह की बीमारियां जैसे खांसी, बुखार, जुखाम, इससे लड़ने के लिए, अलग तरह की बीमारी से लड़ने के लिए, वायरसेस से लड़ने के लिए ऑलरेडी होते हैं। लेकिन COVID-19 के केस में ये जो लिम्फोसाइट्स हैं BT, यू नो, मैक्रोफेगस, इनको बॉडी को तैयार करने में मुश्किल होती है, राइट? अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड हो गया है एक बार और उसने रिकवर कर लिया अपने आप को, तो उसकी बॉडी ये लिम्फोसाइट्स तैयार करने लगती है, स्पेसिफिकली टी लिम्फोसाइट्स। क्यों? क्योंकि एक तरीके की मेमोरी सेल्स उसकी याददाश्त में रहते हैं, उसकी इम्यून सिस्टम की याददाश्त में ये टी लिम्फोसाइट्स यानी कि मेमोरी सेल्स रहते हैं। अब कभी भी उस इंसान को अगर इस तरीके का वायरस अटैक करते हैं तो उसके पास ऑलरेडी मेमोरी सेल्स हैं, वो फिर से टी लिम्फोसाइट्स तैयार कर लेगा और आने वाले जितने भी वायरसेस हैं या इन्फेक्शन से उसको बचाएगा। अब ये जो वैक्सीन नाम की चीज़ है ना, ये भी यही काम करती है, क्योंकि कोविड एक ऐसा वायरस है, COVID-19, जो हमारे बॉडी में अननोन था, पता नहीं था हमारी बॉडी को कि भाई ऐसा वायरस भी आ सकता है, तो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स हमारा तैयार नहीं था इस तरीके के आपके WBCs को तैयार करने के लिए। अब वैक्सीन को समझिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा वैक्सीन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन है, सिंपल भाषा में बताऊँगा, आसान भाषा में। वैक्सीन जो है हमारी, ये तीन तरीके की वैक्सीन्स हैं अभी हमारे पास अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। सबसे पहली वैक्सीन है mRNA, मैसेंजर RNA, जिसमें फाइजर, BioNTech या फिर मॉडर्ना वैक्सीन आ रही हैं, जो हमारे इंडिया में अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। हमारे इंडिया में जो अवेलेबल हैं वो क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और वायरल वेक्टर। इनएक्टिवेटेड में है कोवैक्सीन, राइट, और वायरल वेक्टर में हमारे पास है कोविशील्ड एंड Sputnik V, जो आपकी रशियन वैक्सीन की बात जो हो रही है Sputnik V की। नाउ आप समझिए, ये तीनों ही वैक्सीन भले ही अलग अलग तरीके से बॉडी में काम कर रही हैं, लेकिन इनका प्राइम मोटिव है आपके WBCs को तैयार करना, और वो भी बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और मेमोरी सेल्स तैयार करना। जब भी आपके बॉडी के अंदर ये वैक्सीन जाएगी तो उसको लगने के 2 हफ्ते बाद आप पूरी तरीके से, आपको ये जो मेमोरी सेल्स हैं उसकी सप्लाई जो है आपकी बहुत बढ़ जाएगी। इसी वजह से आपका इन्फेक्शन नहीं हो पाता COVID-19 से अगर आप वैक्सीनेटेड होते हैं तो। अब वैक्सीनेटेड होते हैं तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए कि जितने भी ये ज़्यादातर वैक्सीन्स हैं इसमें 2 शॉट्स आते हैं, मतलब पहले आप 1 शॉट लगाएंगे और उसके कुछ टाइम बाद दूसरा शॉट लगाएंगे, तब जाके आप पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। समझते हैं सबसे पहले जो इंडिया में अवेलेबल है चीज़ें उससे, कोविशील्ड और इसके साथ साथ कोवैक्सीन अवेलेबल है। कोवैक्सीन की अगर हम बात करें तो पहला शॉट लगने के बाद दूसरा शॉट आपका 4 हफ्ते के गैप में लगना चाहिए। जब आपको दूसरा शॉट लग जाता है उसके 2 हफ्ते बाद आपके पास 81% जो होती है प्रोटेक्शन आपकी बॉडी में हो जाती है विथ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो आपके मेमोरी सेल्स हैं, जिससे आपको COVID-19 का जो वायरस है वो नहीं लगता, राइट, 81%। इसके बाद अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो करंट डेटा ये कहता है कि जब पहला डोज आपका कोविशील्ड का लगे, यानी पहला शॉट जब लगे, तो उसके लगभग 12 हफ्ते बाद, अगर आप इस ड्यूरेशन के बाद अगर कोविड का सेकंड शॉट लगाए कोविशील्ड का, तो उसके बाद आपकी जो प्रोटेक्शन है वो कम से कम 70-80% के आसपास आपकी जो प्रोटेक्शन शील्ड जो होती है बॉडी में वो डेवलप होती है, यानी कि यही WBCs। और पहला शॉट जब आप लगाएंगे तो लगभग 70% के आसपास इसमें प्रोटेक्शन डेवलप हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड शॉट नहीं लेंगे, ठीक है। नाउ अब एक चीज यहां पे समझते हैं कि भाई बेनिफिट क्या है इसका, ठीक है, वैक्सीन लगाने का बेनिफिट ये है कि सबसे पहले तो यू आर लेस लाइकली टू गेट इन्फेक्टेड। सिंपल सीधी सी बात है भाई, आप जब वैक्सीनेटेड होगे तो आपको ये कम चांसेस होंगे आपको इस तरह का वायरस लगने के, मतलब 81% आपके पास जो प्रोटेक्शन तैयार हो गई बॉडी में, WBCs बना रही है बॉडी, तो आपके इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। अब इसके साथ एक दूसरा बेनिफिट जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो ये कि यू आर लेस लाइकली टू स्प्रेड द वायरस, मतलब आप
जब वैक्सीनेटेड हो गए तो न सिर्फ आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बल्कि आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास के लोगों में भी वो कोविड का वायरस नहीं फैला पाओगे। तो यहाँ पे आपकी चेन ब्रेक हो गई। तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे चेन को ब्रेक करना, तोड़ना, और इसके लिए वैक्सीनेटेड होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि भाई हम वैक्सीन कौन सी लें, कोविशील्ड लें या कोवैक्सीन लें या फिर फाइजर लें, मॉडर्ना लें, कौन सी बेस्ट है। देखिए सारी वैक्सीन का काम एक ही है, कोई कन्फ्यूजन मत रखना दिमाग में कि भाई ये सस्ती वाली है और ये महंगी वाली है तो महंगी वाली अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद वैक्सीनेटेड हूँ, वैक्सीन लगवा के आया हूँ और मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, ठीक है, क्योंकि वही अवेलेबल थी। सो अवेलेबिलिटी के हिसाब से चलिए, अगर आपके एक शहर में, आपकी सिटी में, आपके कंट्री में, आपके यू नो स्टेट में जो भी वैक्सीन मिल रही है, कोविशील्ड मिल रही है, कोवैक्सीन मिल रही है, गेट इट डन, तुरंत उसको लगवाइए। बेनिफिट्स के साथ साथ तैयार होते हैं यहाँ पे मिथ्स भी। अब मिथ इतने सारे हैं ना कोविड की वैक्सीन को लेके कि परेशान हो जाते हैं लोग कि भाई मुझे, मैं बीमार हो जाऊंगा, आई गेट सिक, इलनेस हो जाएगी मुझे। होता है, वैक्सीनेशन जब मैंने पहली बार लगाई थी तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो दर्द होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी कि भाई इंजेक्शन लगाए तो दर्द तो होगा ही, लेकिन वो दर्द थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा ज़्यादा दर्द था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी तबीयत खराब होगी। मुझे बिल्कुल भी फीवर नहीं आया, थोड़ी वीकनेस ज़रूर थी, लेकिन आप सरप्राइज हो जाएंगे कि भाई उस दिन भी मैंने वर्कआउट किया, सुबह मैंने वैक्सीन ली, 2-3 घंटे का गैप दिया, थोड़ी वीकनेस थी, बट ट्रेनिंग मैंने छोड़ी नहीं उस दिन, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ट्रेनिंग तो कर पाऊंगा, इतनी वीकनेस नहीं है कि मैं घर पे बैठा हूँ। सो आई डिड ट्रेन, बट एफिशिएंसी उतनी नहीं थी ट्रेनिंग में, ये मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, कोई फीवर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम मेरी वाइफ ने जब वैक्सीन ली पहला शॉट कोविशील्ड का, तो उन्हें फीवर ज़रूर हुआ, उन्हें पूरा रात फीवर था, नेक्स्ट डे भी पूरा दिन उनको टेम्परेचर थोड़ा सा था उनकी बॉडी में, लेकिन द वेरी थर्ड डे वो पूरी तरीके से रिकवर हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। सो ये नॉर्मल फीवर आना नॉर्मल है बहुत ही ज़्यादा, मतलब कोविड की बीमारी से आपको कुछ हो जाए उससे बेटर तो थोड़ा सा अगर आपको फीवर हो रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरी चीज़, DNA, इट डजंट प्ले विथ योर DNA। ये जितनी भी वैक्सीन्स हैं ना, ये स्पेशली लोग इससे डर रहे होंगे mRNA वाले से कि भाई आपके RNA DNA के साथ प्ले करेगा, बिल्कुल नहीं होता। जो भी वैक्सीन्स हैं आपके DNA में एंटर नहीं करती, DNA को बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करती है, वो आपके सेल के न्यूक्लियस में नहीं जाती, ठीक है। तो वो सिर्फ आपकी ये जो WBCs हैं उनको तैयार करने में आपको हेल्प कर रही है, दैट्स इट। इसके साथ साथ डिजीजेस, काफ़ी सारे लोगों को डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर या फिर बहुत सारी इस तरह की क्रॉनिक डिजीजेज हैं, तो वो लोग थोड़ा सा परेशान है कि भाई हमें अभी लेना चाहिए कि नहीं। तो एज पर दी गाइडलाइंस यही कहा गया है डॉक्टर्स के थ्रू भी, जितने भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि भाई अगर आपको इस तरह की बीमारी है और कोई मेडिकेशन आपकी चल रही है, स्टीरॉयड्स वगैरह चल रहे हैं, यू नो कैंसर के केस में काफ़ी थेरेपीज वगैरह चलती हैं, कीमो वगैरह, अगर इस तरीके की कोई चीज़ चल रही है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, या कोई भी मेडिकेशन चल रही है तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए, क्योंकि वही एक्सपर्ट्स हैं, वही आपको बताएंगे कि आपकी कंडीशन में क्या आपको अभी इस वक्त लेनी चाहिए या नहीं, ठीक है, अगर कोई बीमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो। इसके बाद बात करें प्रेगनेंसी और यू नो फीमेल्स को, अगर हम कहें कि मतलब अगर प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुअल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर प्रेगनेंसी आपकी चल रही है तो क्या उस टाइम पे आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। सो इनिशियली ये जो डेटा है प्रेग्नेंट वुमेन को लेके, ये पहले नहीं था, बट अभी करेंट डेटा ये कहता है कि लगभग 35,000 से ऊपर प्रेग्नेंट लेडीज़ को वैक्सीनेटेड किया गया, और उसके बाद देखा गया कुछ यू नो महीनों बाद कि वो सेफ़ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें, उन्होंने अच्छे से डिलीवरी अपने बच्चों की करी, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करना वहाँ पे ज़रूरी होगा, और डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही आप वैक्सीनेशन को लीजिए, लेकिन लेना ज़रूर है सबको। अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि भाई वैक्सीनेशन लेने से क्या होगा। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ इज़राइल का, मतलब आप सरप्राइज होंगे कि इज़राइल वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ में आ गई है, मतलब फर्स्ट फ्यू कंट्रीज़ जिन्होंने मास्क हटा दिया है अपने पब्लिक में, मतलब आप लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये कि बिना मास्क के कोविड में एक साल के अंदर रिकवर करना, कि वो पब्लिक में नॉर्मल तरीके से घूम रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव डन अ ग्रेट वैक्सीनेशन ड्राइव, बहुत ही जल्दी उन्होंने अपने पब्लिक को, अपने यू नो लोगों को वहाँ पे वैक्सीनेटेड किया, जिसकी वजह से आज वो बिना मास्क के घूमने की सोच रहे हैं, राइट। कैलिफोर्निया में भी ऐसा जल्दी होने वाला है, मैं आपको क्लिप्स दिखाना चाहूँगा कुछ कि कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है। Now, we understand that some people aren't sure about getting the COVID vaccine. We're asking you now, don't miss your shot to bring California all the way back. Reuniting families and friends. Hugs. Road trips. Theme parks.
movies, a pump in the gym. The good news, we're on track to fully reopen the state on June 15th because Californians have been stepping up to get vaccinated. Over half of all Californians have received at least one dose. Getting to immunity means getting all the way back to the things we love to do. That's why we can't let up now. Getting vaccinated doesn't cost you anything. And it's safe and effective. So, देखा आपने, अगर इस तरीके की चीजें बाहर विदेशों में हो सकती हैं, अलग अलग जगह पे हो सकती है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? ये करने के लिए हमें करना पड़ेगा एक साथ मिलके काम, ऑर्गेनाइज होके सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, राइट? थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा. हम बिल्कुल बेतरतीब तरीके से, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, कोई प्लान नहीं है. समझिए हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम है. अभी प्रॉब्लम है रिसोर्सेज की, राइट? प्रोडक्शन हमारे पास वैक्सीनेशन का कम है. तो मैं कुछ यहाँ पे अपने रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, बीइंग अ हेल्थ कोच, फिटनेस कोच, के गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी पावर में हैं, वो ये कर सकते हैं कि डेफिनेटली उनको पता ही है कि वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए जल्द से जल्द. साथ ही साथ लगाने के लिए, राइट, वॉक इन जो आपके सेंटर्स होते हैं उसको खोला जाए, या फिर ड्राइव थ्रूज बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें, फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं जस्ट फॉर कोविड. वॉक इन सेंटर्स हैं, आप जाओ वहाँ पे, तुरंत आपको इंजेक्शन लग के आपको भेज देंगे वैक्सीनेशन करके. साथ ही साथ ड्राइव थ्रू, आप कार लेके जाओ, गाड़ी से भी उतरने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं पे इंजेक्शन लगाएंगे और घर भेज देंगे. तो कितना आसान, कितना ईजी बन जाएगा लोगों को वैक्सीनेटेड होना, और जिसकी वजह से हमारे पास उतने केसेस आएंगे ही नहीं और चेन ब्रेक हो जाएगी. सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है ना, तो सिर्फ इसे लाइक नहीं, इसको शेयर करना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के हर उस इंसान तक ये लैंग्वेज में, इस आसान भाषा में ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे. क्योंकि है इन्फॉर्मेशन लेकिन आसान लैंग्वेज में नहीं है. डॉक्टर्स इतने भारी भारी शब्द बोलते हैं, न्यूज़ में इतने भारी शब्द चल रहे हैं, समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा है. दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे, मतलब बहुत आसान तरीके से मैंने बनाने की कोशिश करी है. इसको शेयर करो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, क्लिप्स बनाओ, व्हाटएवर यू डू, शेयर दिस इन्फॉर्मेशन. और एक और ज़रूरी बात गाइस, अगर आप लोगों को वैक्सीनेशन लेनी है तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जहाँ भी, जिस भी सिटी में है, वहाँ पे आपको वैक्सीनेशन सेंटर्स, हॉस्पिटल्स मिल सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, चेकआउट करिए. अगर स्लॉट्स हैं तो रजिस्टर करिए और गेट वैक्सीनेटेड. एंड टेक केयर गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड बाय बाय, सी यू सून. जीत सलाल, टेक केयर.